बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में हैरियत से होंगे। आज बच्चे को बस स्कूल भेज के मैंने सफाइयाँ की हैं। सफाइयाँ करके अब धूप इतनी प्यारी निकली थी तो अपने मसायों के साथ मैं जा रही हूँ खेतों में। खेतों में मैंने उधर साग देखना है, तोड़ने वाला हुआ तो मेरी सलाम दुआ है, उन्होंने बोला उधर से तोड़ ले जितना आपको चाहिए। तो देखेंगे कि आज तोड़ने वाला हुआ तो आज तोड़ लेंगे, फिर किसी दिन चले जाएँगे तो और खेतों में जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है, अब क्या व्यू है उस तरफ का अब खेतों का। तो चले आए आपको भी दिखाते हैं। अभी हम आ गए खेतों में तो ये देखिए साग तो अभी काफ़ी छोटा है तो अभी नहीं हुए हैं अंदर अंदर। वो देखे गंदर कितनी प्यारी है, अभी हुआ है अंदर काम में, अभी थोड़ा बड़ा हो लेना, इसलिए वो जानवरों का चारा रखा हुआ है ना, तो इसके अंदर से फिर जो साग की ज़रूरत है ना तो हर किसी को नहीं उतारने देते हैं, बस जिनके साथ उनका अपना एक सलाम दुआ हो। तो ये सारा खेत है, वो लहसुन भी लगा हुआ है, वो मुंजी जो है ना चावल, चावल की फसल को उन्होंने कटिंग काट लिया है तो अब वो कर रहे हैं, शायद देखते हैं। तो हमारे जानने वाले हैं कि यहाँ फिर नहीं सलाम दुआई होती है और इधर तो हमारे कोई नहीं अपने सलाम दुआई है। चलो देखते हैं। तो मौसम देखें कितना प्यारा है, सही धूप निकली हुई है तो मज़ेदार धूप है। तो वो एक औरत बकरी लेके भी उधर जा रही है, ये जिन्हें पहाड़े है ना, देखे कितना प्यारा व्यू है। इधर दूर दूर तक कोई मकान नहीं था, अब देखे कितनी तेज़ी से ये पलहू के पास थे तो बड़ी तेज़ी से ये बन रहे हैं। देखे वो बालन भी इकट्ठा कर रख रहे हैं, इसलिए आगे से गैस बंद हो जानी है ना। कितना प्यारा व्यू है इधर। इस तरफ देखो ये कबूतर शायद रखे हुए हैं, इतनी ज़्यादा तरक्की हो रही है ना पलहू वाली साइड पे, इतनी सस्ती जगह थी तो अब इतनी महंगी हुई है। आओ उधर देखते हैं मुंजी कैसे खा रहे हैं। ये देखे इतनी बड़ी बड़ी हैं तो ये पूरी पकड़ के उसके ऊपर जूता पहन के जाते हैं, जाना है कैसे। ये वाली है ये उतर जाएंगी साथ से, कैसे करना है ऐसे। ये देखिए उतर रही है, दो हाथ मारे बंदे में, ये करे दो ना, दो हाथ मार, दो ना दो तो फंडा मार, दो ना कजी बांध कर दे। कुड़ी रात गई है, कुड़ी ब्याह हो ना, दो तरह नुआ पिछले आ जाए अल्लाह दी देने। वो मेरा जवान है हम जी, मेरे पुत्र की बहन तिलक बैठिए, ऐडी टेंशन लगी ना अल्लाह वाले को। तो ये इधर धूप में सुखा के फिर करनी है। हाँ पखे ला गई तीन जी, एन पत्तर एक नहीं पत्तर पुत्र मैं सोनी चिट्टी सवेर। अच्छा ये अंदर से निकाल देना ये वाला गाना, ऐ देखो इतनी लंबी तार लाएंगे पंखे के। नहीं जनरेटर होता है, ऐसे जनरेटर ले बड़ा, ऐ देखो कि नहीं होनी है। अच्छा ऐ देखो ओ सुते हो जाए ओ दाने सुन, ऐ देखो ये भाई एक कने पखे ना होनी, ये देखिए ऐसे साफ हो जानी है एक दाना। तो ये बेचनी भी है आपने? ओ ने बेची हड्डी कोनी, असि तो मसा खा गई है हड्डी की। अच्छा हो गई है, जिन्होंने लेनी थी ले ली है, पहले लोग पैसे दे हरदे। तो सही लंबी है माशाल्लाह, एक चोर निकलनी एडे लंबी टोटा के निकल। तेरी कंपनी ये असली सुपर, इसलिए लंबी लंबी है असली। नहीं तो वो उधर देखी थी तो बजवात में तो वो नहीं थे इतने लंबे, वो अजी जी बी और ने ए नसर और ए चोप कर देना। हां तोड़ी गंडी हो ना मसाया जी, जे का कुछ बोझ आई। अच्छा ए सोनी अजी ने मैं तू केड़े पेंदी दालत करे दी। A few moments later.
फिर इतना इंजॉय किया है ना तो बड़ा मज़ा आता है। चावल खाने इतने आसान नहीं है, तो सही सुपर वाले चावल हैं, सही लंबे लंबे चावल हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं सब इधर, उनकी बेटियां भी लगी हुई हैं, बहू खुद भी लगे हुए हैं। तो ये बेड़ी कितनी देखे कितनी बड़ी है, तो फल देखे कितना, कहते हैं ये बड़ी पुरानी बेड़ी है, ये हिंदुस्तान के जब इधर इस तरफ लोग रहते थे ना तब की है, तो ये खेतों के अंदर तक इतनी कवर करती है, इसको उन्होंने अंदर नहीं लिया, इसको उन्होंने अंदर से काट दिया, वैसे कवर कर दिया कि इधर चीज़ें वगैरह होती हैं। होवे होवे उन्होंने बना, वो देखे कितनी तेज़ी कितना सही घर है, ये देखे इन्हें सही जा आपसे सही हो रहा है ना, सही साफ होया है, मेरे को नहीं सी इन्ना सही हुंदा पिया, तानू प्रैक्सेट है ना, ये देखे इन्होंने साथ भैंस कितनी प्यारी है, कट्टी है शायद या कट्टा है जो भी है, तो पास उन्होंने रखा हुआ इधर ही साथ साथ ही एक चारा भी खा ले, इस तरफ भी है तो वो अभी तक आके नहीं लगे कि ज़रा धूप ज़्यादा लग रहे, तो देखे उन्होंने सारा कवर किया हुआ है, तो सारी खिलाड़ दी है धूप में, ज़रा सूखक हो जाए सूख जाए तो फिर लगाएंगे, तो वैसे ही इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना, बाजू मैंने दो तीन किए हैं, मेरे बाजू को पेन होनी शुरू हो गई है, तो उनकी बड़ी हिम्मत है, वो करते हैं ये इस तरह का काम, वो देखे दूर से नज़र आ रहा नज़दीक कर, और देखें कैसे ज़ोर ज़ोर से लगाया हुआ है, टीले में उसकी जान, लेकिन चाचा काम सही कर रहा है, देखिए इधर कभी ऐसा था कि जंगल ही जंगल है, ये पलहू है सारा, ये हरा पीर है ना, तो देखिए अब ऐसी रिहाइश हो गई है इधर, देख रात को लोग रहते ही हैं ना, ये घर जो बने हुए हैं इनमें रहते हैं, रिहाइश है इसलिए वही कपड़े वगैरह ऊपर ऐसे पता चलता है कि इधर रह रहे हैं, तो हम मोहल्लों में रह के हमें डर लगता है, तो वो देखे कितने एक तरफ पलहू के पास मकान बनाए हुए हैं, चलो आ जाओ, ये देखे को लोगों ने गंदम की लगा दी हुई है, देखे गंदम लग भी गई है, मैं आपको लसन दिखा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारे मसाए हैं जिनका लसन है, देखे कितना प्यारा सही उन्होंने वो गोडी वगैरह दी हुई है, बड़ा हो रहा है, वो मूलियां भी छोटी छोटियां ने तो उतार के खाते, हल्दी देख हल्दी कितनी प्यारी है ना, हाँ ये सारा लहसुन तो कितना प्यारा है, तो वो कहते थे हमारी पहली की भी थोड़ी सी वीडियो बना लेना कितने मैंने साफ की हुई है, ये सारा उन्होंने अंदर से गंद नहीं तो लहसुन नज़र नहीं था आ रहा, तो ये देखे हो सुबह उतार के गए हैं ये अंदर से ये सारा गंद, देखे कितना प्यारा वो साग है, तो उनका भी अभी साग हो रहा है, अभी होगा ना, चले आओ बस अब घर चलते, अभी ये देखे मैं आई हुई देखे मूली खाने, आ जाओ ये देखे कितना प्यारा मूलियां, देखे कितनी बड़ी हैं, ये बाजी है ये उनके खेत है मेरे घर के पास, ये अब घर जा रही थी तो मैंने कहा चलो एक मूली खा लेते हैं उधर खड़े होके, ये देखें भाई नजमा मैंने आपकी मूली उतार ली है, तो मैं खाने लगी इधर बैठ के, कितनी बड़ी फ्रेश मूली, ये देखें इसको दो कैसे पत्तों के साथ ही साफ कर लेते हैं, ये शिफा होती है इसको ऐसे खाने से, नहीं अभी मैं इसको चीरती हूँ,
ये देखो हल्दी कितनी प्यारी है, मटर भी लगी हुई है। कितना प्यार है व्यू है इधर, मूलियाँ देखे कितनी, वो देखो कितनी बड़ी है, लंबी लंबी मोटी मोटी मूलियाँ, पालक के पत्ते देखो कितने बड़े बड़े, ये सही हो गई है इधर साग में ना लगाए। तस्वीर खींच लो ठंडे करके। अभी हम घर जाने लगे हैं, मूली मैंने इतनी ज़्यादा खा ली है, इधर ज़्यादा ज़्यादा मिट्टी थी, अब ये घर जा कर धो के खाती हूँ। अब जिस दिन इधर आऊँगी ना साथ नमक मिर्च लेके आऊँगी, फिर ज़्यादा मज़ा आता है नमक मिर्च के साथ मूली खाने का, और फ्रेश फ्रेश मूली हो क्या मज़ा आ जाए। तो अभी घर जाते हैं, अभी मैं घर आ गई हूँ। तो जब मैं गई थी मैं आटा गो के रख के गई थी, अभी मुट्ठी देने वाली है, टीली की मैं कटिंग करके गई थी, टीली मैंने कटिंग कर लिया, बच्चों का भी आने वाला टाइम। अभी मैं ये मूली धो के, ये उधर मिट्टी थी, मूली धो के चाट मसाले के साथ मज़ा लेने लगे। इतनी फ्रेश मूली है ना, यकीन करे मुझे इतना मज़ा आया ना आज बाहर जाने का, कोई भी नहीं था इस टाइम, बस वो मिस्त्री उधर काम वगैरह कर रहे थे या फिर ये मुंजी के काम कर रहे थे सही, औरतें वगैरह गोडी वगैरह जो का वो लगी हुई थी, उन्होंने बोला चलो इधर से, उनकी मूलियाँ नहीं थी है तो इनकी ये बाजी है ना भैया सब, इनकी मूलियाँ थी तो फिर मैंने इनसे एक मूली तोड़ के खाई है, तो बड़ा मज़ा आया। मूली का मूली भी कड़वी नहीं है, बड़ी मज़ेदार है कड़वी, लेकिन उतनी नहीं है जितनी। अभी मैं खाने लगा चाट मसाले के साथ, साग नहीं अभी हुआ तोड़ने वाला, साग जब होगा वो पिगाम भेज देंगे ना तो फिर तोड़ने जाएंगे। इधर ही मैं वीडियो का एंड करती हूँ, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। जिसने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया, वो अच्छा सा कमेंट कर दे। और अभी मैं 12 बजे का बच्चों का खाना बना रही हूँ, जहाँ जहाँ मेरे खुश रहे बाद रहे, हंसते मुस्कुराते रहे, दुआओं में याद रखना। ओके अल्लाह हाफिज़।